हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। ये मेरा दूसरा ब्लॉग है, साल का दूसरा दिन मेरा दूसरा ब्लॉग। तो बस आज के लिए मैं इतना कहना चाहूँगी कि कल आप लोग को पता ही है कि मेरा कितना बुरा हाल था। ये हाथ का, इस हाथ से मैं बहुत परेशान थी। ये पूरा हाथ बहुत चक हो गया था, लेकिन इन लोगों ने, मेरे हस्बैंड ने, मेरे बेटे ने इसकी हाथ की सिकाई करी, मुझे दवाई खिलाई, दर्द की गोली खानी पड़ती है, जिसमें मैं अवॉइड करती हूँ जितना हो सकता है। मैं दर्द की गोली नहीं लेना चाहती हूँ, क्योंकि उससे मैंने सुना है किडनी वगैरह पर असर डालती हैं वो गोलियाँ। मैंने बहुत कोशिश करी लेकिन मेरे से बर्दाश्त नहीं, तो फिर मेरे को पेन किलर खाना पड़ा। फिर खाना भी बनाना था, पूरा नए साल का दिन था, इस वजह से धीरे धीरे करा। इन लोगों ने बहुत हेल्प करी है, खुद ही सब काम खुद कर लेते हैं, मुझे मुश्किल से परेशान करते हैं इन दिनों। वैसे मेरा सब मुझे करना पड़ता, लेकिन जब मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है तो ये लोग खुद कर लेते हैं, मेरे को इतनी दिक्कत नहीं होती है। इन्होंने मेरी सिकाई करी और मुझे पेन किलर दिया, फिर मेरी दवाई लेकर के आए मार्केट से जा कर के, और उसके बाद फिर मैंने 2-3 बार सिकाई करी है। उसके बाद से ये हाथ थोड़ा थोड़ा मेरा उठने लग गया है, इतना उठ रहा है, इतना परेशान है, इतना ज़्यादा उठ रहा है, इससे ज़्यादा नहीं उठ रहा, वही हाँ सॉरी, इतना इतना उठ रहा है, इससे ज़्यादा नहीं उठ रहा है, लेकिन उठ रहा है। एक्चुअली ये हाथ मेरा कोहनी से नीचे तक तो ठीक रहता है, कोहनी से ऊपर वाला हिस्सा जो है वो मेरा जाम हो जाता है, वही नहीं हो पाता है, वही नहीं चल पाता है। और पिछली बार की सर्दियों में तो मेरा बहुत बुरा हाल था, मेरे को ऐसा लगता था कि बस पता नहीं क्या हो गया है गुरुजी, इस हाथ से, यहाँ से हटो, दूसरा हाथ, दूसरे हाथ से हटो, तीसरा हाथ, मतलब कभी मैंने सुना था कि दर्द चलता है, मैंने खुद महसूस करा कि वो चलता है। भगवान किसी दुश्मन को भी ये बीमारी ना हो, क्योंकि आजकल ये बीमारी कॉमन ज़रूर है, क्योंकि ना तो हम इसमें कुछ खा सकते हैं, ना हम ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज कर सकते हैं, ना हम कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, बस एक तरीके से हॉपलेस से हो जाते हैं। बीच में तो मैं बहुत डिप्रेस भी हो गई थी, बहुत सारी, बस गुरुजी ने बहुत अपनी छतर छाया में लिया है, बहुत बहुत मेहर करी है गुरुजी ने, जो मैं आज इतना आप लोगों के साथ हूँ, आप लोग को बता पाती हूँ, नहीं तो मैं तो रो रो के, मेरा बहुत बुरा हाल था कि मुझे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एक्चुअली हुआ ये था कि एक ब्लॉगर है, नाम उनका नहीं लूँगी, उनका वीडियो मैंने देखा था, उनको भी अर्थराइटिस है, वो थोड़ा एक्टिंग वगैरह भी करती हैं, तो उनको भी अर्थराइटिस थी, तो उनके जब पेन शुरू हुआ था तो मेरे भी उसी टाइम पर पेन शुरू हुआ, तो गुरुजी ने मुझे उसी टाइम पर ही इंडिकेशन दे दिया था कि तुम भाई अर्थराइटिस के शिकार हो गई हो, धीरे धीरे अपना ध्यान रखना शुरू कर दो। लेकिन मैंने ही अवॉइड करा, मैंने खाने का कोई परहेज नहीं करा, कुछ नहीं करा, जैसा होता था वैसे ही बस खड़े खड़े काम पर ही लगे रहना, एक बार उठे हैं तो उठ करके सीधा काम ख़त्म होना चाहिए, हमारा ये रहता है। और मेरी खुद की ये आदत है कि अगर मैं एक बार काम के लिए उठ गई हूँ ना, तो वो काम मेरे को पूरा सारा ख़त्म करके मैं जब बैठती थी, मतलब लगातार, ये नहीं देखना है कि शरीर को थोड़ा रेस्ट दे करके, अब क्या होता है कि मुझे थोड़ा थोड़ा गैप देकर काम करना पड़ता है, एकदम रेगुलर मैं काम नहीं कर पाती हूँ। तो अभी भी ठंड में भी बर्तन मेरा बेटा मांझ के गया है, सुबह भी हस्बैंड ने भी काम करा है, मैंने बस खाना ही बनाया है, यही होता है बस गुरु जी। ये सर्दियाँ निकल जाए ना, सर्दियों से कभी इतना प्यार हुआ करता था कि रजाई में घुसने का मौसम आ गया, चाय पियो गर्मा गर्म, अब चाय भी नहीं पी सकते हैं ज़्यादा, बस ऐसे ही ज़िंदगी चल रही है। सोचा सेकंड व्लॉग में आपको बताई जाए कि मेरी लाइफ में आज क्या हुआ है कल से अब तक, तो कल से अब तक मैं अभी तक दवाइयों पर हूँ। खैर गुरुजी ने बहुत संभाल करी है, ठीक है, पहले से बहुत बेहतर है, कल बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी लेकिन आज थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है। तो और जो हमारे कभी कभी होता है ना बॉडी में कहीं एक पेन होता है, वो चीज़ हमारी रुक जाती है, या हम कुछ ऐसी बादी चीज़ खा लें, जैसे गोभी खा लिया, राजमा खा लिया, या फिर कुछ ऐसी चीज़ खा ली, उसके बाद अगर हमारे पेन होता है, अगर हमारे को ज़्यादा गैस बनती है, तो भी हमें अर्थराइटिस हो सकती है। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, हमें ये चीज़ इग्नोर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब ये पूरी ये सब सिम्टम्स होते हैं कि हाँ इस चीज़ की ना, इस बीमारी की शुरुआत हो रही है कहीं ना कहीं, तो हमें उन सिम्टम्स को नोटिस करना चाहिए, उनको नोट डाउन करने चाहिए, उनको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि वो बीमारी का शक्ल ना ले ले। जैसे कि मैंने इग्नोर करा, बहुत इग्नोर करा, और आज क्या हुआ कि वो बीमारी प्रॉपर तरीके से पूरी शरीर के अंदर घुस चुकी है। लेकिन देखते हैं, लेकिन आप लोग प्लीज़ ये सब इग्नोर मत कीजिएगा। अगर कोई पेन का ऐसा कोई इलाज आप लोग के पास है जो
जो कि मुझे नहीं पता है मैं घर में कर सकती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे बाहर होते हैं, हस्बैंड भी बाहर होते हैं, तो हम कैसे अपने आप को मैनेज करें। अगर आप लोगों के पास कोई इलाज है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। और बहुत देर हो गई है, ज़्यादा बड़ा इसको ब्लॉग को नहीं बनाते। मैंने इसका एलोपैथिक भी इलाज कराया है, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको सेकंड ब्लॉग में ज़रूर बताऊंगी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था और ये बीमारी मुझे कब से। तो प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ, सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट